रीडर, भारत रिपोर्टर, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। झीलों का शहर भोपाल और मेरे पीछे राजा भोज की ये मूर्ति और खूबसूरत सा बड़ा तालाब। यकीन मानिए बहुत खूबसूरत शहर है, प्यार हो गया इस शहर से। तो अब अपन इसलिए क्योंकि यहाँ की यही भाषा है गुरु, अपन पहुंचे हैं भोपाल में, भोपाल का चुनावी मिजाज जानने। तो चुनावी मिजाज जानते हैं। तो आप जो ये झील देख रहे हैं ना, ये राजा भोज ने बनवाई थी दरअसल, और आपको हैरानी होगी ये जानकर चर्म रोग दूर करने के लिए झील बनवाई गई थी। बड़ा तालाब इसे कहा जाता है, जो भोपाल को और खूबसूरत बना देता है, जो आप मेरे साइड में देख रहे हैं। कि हमें जीतू पटवारी ने नाश्ते पर जो है बुलावा दिया है, तो जीतू पटवारी से भी हम जानेंगे कि कांग्रेस आखिर पिछड़ कहां जाती है गुरु। भारत रिपोर्टर का इस कारवा के साथ मैं पहुंची हूं सबसे खूबसूरत शहर भोपाल में, और मैंने यहां आते ही जीतू पटवारी जी से संपर्क किया। तो जीतू जी ने मुझे बोला कि आओ नाश्ते पे बात करते हैं। जरा मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं, यहां के आप चीफ हैं कांग्रेस के। ऐसा क्यों होता है कि कमलनाथ अपने बेटे की सीट पर ही सिर्फ वो कर रहे हैं, जा रहे हैं वहां पर प्रचार कर रहे हैं, पूरा मध्य प्रदेश पड़ा है, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं जा रहे, पहला सवाल। और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ, मैं चाहूंगी इस पर आप जरूर जवाब दें, क्या कांग्रेस कमलनाथ को हाशिए पर लेकर जा रही है या कमलनाथ सिर्फ अपने बेटे की चिंता करने में रह गए हैं और उसी का खामियाजा आप लोगों को विधानसभा के चुनाव में भुगतना पड़ा, वो एकता वो एकजुटता नहीं थी। नहीं, ये दोनों सवाल एक दूसरे को इसलिए मैच नहीं होते हैं क्योंकि कमलनाथ जी का नकुलनाथ जी का चुनाव था फर्स्ट फेज का, तो नेचुरली स्वाभाविक है पहले फेज के चुनाव में जो हमें स्वाभाविक जो जीतने वाली सीट थी उस पर हमने फोकस किया था, रणनीतिक किया था, हमने लोकलाइज किया चुनाव को, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री, सारे मंत्री वहाँ लग गए, तांडव मचा दिया उन्होंने, पॉलिटिकल तांडव बोलते हैं उसको। उनको तो वो सीट जीतनी है, वो तो लगाएंगे क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है, वो सीट मानी है। दो तरीके, एक मर्यादित जीतनी है, एक अमर्यादित जीतनी है। बीजेपी का अध्यक्ष पैसे बांटते हुए पकड़ा गया, सब पे केस डालना, सबको पुलिस का हैरेसमेंट करना, अलग अलग प्रशासन का हैरेसमेंट करना, ये सब देखा है प्रदेश की जनता ने, आपने बताया होगा। तो चूंकि पहले फेस में इलेक्शन था तो हमारा फोकस छिंदवाड़ा था। उसके बाद जैसे ही वो फ्री हुए, 19 तारीख को इलेक्शन थे, उसके बाद वो सबदूर जा रहे हैं, सबदूर गए, सबदूर बातें कर रही है। अभी 3 दिन पहले उनकी दो रैलियाँ थी, 2 दिन पहले दो रैलियाँ थी, तो ये कहना कि वो वहीं पर सिमट गए ये भी गलत है। एक आखिरी सवाल कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आपकी आ रही हैं, पीसीसी चीफ हैं आप, क्या लग रहा है कि छिंदवाड़ा में कंपटीशन, छिंदवाड़ा तो आपकी सीट आप मानते ही हैं कि वो आपकी सीट है, छिंदवाड़ा में कंपटीशन मान रहे हैं, और दूसरा कितनी सीटें आ रही हैं आप लोगों को? हमारे यहाँ पे अभी 6 इलेक्शन हुआ है जिसमें 3 कांग्रेस जीतेगी और टोटल पे आधे से ज्यादा हिस्सा हमारा, 3 कांग्रेस जीत रही है। कौन कौन सी वो अब नाम बताने से, छिंदवाड़ा बोल दीजिए, छिंदवाड़ा तो बोल ही सकते हैं, 100% जीतेगी 3 सीट और आधी, ओवरऑल 15 सीट हम जीतेंगे। और 15 सीट आप जीत रहे हैं ओवरऑल, सारी ओवरऑल। चलिए इस फिटनेस वाले नाश्ते के साथ उनको छोड़ के चले जाते हैं और भोपाल की बाकी गलियों में भी जाते हैं मनोज जी, और जानते हैं चुनावी मिजाज भोपाल का। भोपाल बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन जरूरी है ना भाई भोपाल से निकलकर भी जाना जाए कि क्या है देश के दिल मध्य प्रदेश का चुनावी मोड। तो आज मैं आपको विदिशा भी लेकर चलूंगा। तो विदिशा के गांव में हम आए, माई का नाम रहा तुम्हारे गांव का? नाम क्या है तुम्हारे गांव को? हमारे गांव गुरारिया है। गुरारिया, गुरारिया क्या नाम है? गुरारिया। अच्छा ये बताओ, वोट करते हो ना आप लोग? हाँ करते हैं। तो कैसा चुनावी मोड है इस बार, किसको वोट करने जा रही हैं? मामा को वोट देंगे। और कौन को देंगे? मामा को देंगे, बीजेपी मतलब। और कोई नहीं? जो नहीं दिखाएगा दे देंगे वोट, जो नहीं दिखाएगा दे देंगे वोट। ऐसे कैसे दे देंगे? मामा दिख गए तो मामा को, ये कांग्रेस दिखी तो कांग्रेस को भी दे देंगे? काय को, काय को? लाभ मिला है कुछ इनसे? कुछ फायदा मिला क्या? पैसे मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। कितने पैसे मिलते हैं?
1200 रुपया है? जा देखे आई 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 जा देखे आई है, है? इधर आ जा, इधर हम भी नीचे बैठ जाए का। अरे छोड़ो, अरे बैठ गए बैठ गए। तुम जो बताओ कि कैसे है चुनावी माहौल, किनके पक्ष में है? मामा जी के पक्ष में। और का मामा जी के पक्ष में मतलब बीजेपी? हाँ। तुम्हारे इनसे मामा है? हाँ, उम्मीदवार उम्मीदवार का है? मामा का है? मामा कर रहा है सब कुछ। तो मामा ही है। कछु मिलो है कि नहीं? ऐसे सब कुछ मिले। क्या का मिलो? लाभ बताओ। मैं का लाभ? पेंशन मिलती है। तुम क्या बता रहे हैं? लड़कियों की शादी हुए तो पैसे, लड़कियों की शादी हुई पैसे मिले? पैसे मिले। राशन? राशन कार्ड मिला? हाँ मिलता है। राशन मिलता है आप लोगों को फ्री वाला? इसलिए आप लोगों को बीजेपी चाहिए। मकान बनवाया? ये मकान आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के उससे बनवाया है? अच्छा, तो ये अरे कहाँ भाग रहे हैं? यही प्रधानमंत्री आवास योजना से बनाई है? अच्छा, कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस को भी वोट दो। कांग्रेस को नहीं, उनको कौन देगी? अरे रुको रुको, उनको कौन देगी? क्यों? क्योंकि वो कुछ दे ही नहीं रहे, नहीं मिल रहा। आप कहाँ घूंघट करके खड़ी है? नाम क्या है आपका? ममता। ममता है तो इस बार चुनाव में किसको? मामा ही को। मामा को? बीजेपी को? और जी कांग्रेस नहीं? नहीं। लाभ मिले कुछ इसलिए या बस बीजेपी बीजेपी सुनाई दे रही है? मिले हैं। हाँ। क्या लाभ मिले? बहुत कुछ मिलता है, मकान। हाँ। हाँ। गैस मिला, गैस मिली है। हाँ। सब मिला है, सब ये सब मिला है। हाँ। तो ये तो गैस है, उज्ज्वला योजना से मिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी आपकी बात कराऊंगी और उनसे भी जानेंगे कि अब जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो जनता के बीच कैसे जा रहे हैं और क्या मुद्दे ले जा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, 400 पार। तो देखिए ये जनसंपर्क अभियान चल रहा है जिसमें मामा जी सभी से मुलाकात कर रहे हैं। जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। मामा जी मैं आती हूँ इटावा से, तो मैं चाहती हूँ मैं बुंदेलखंडी भाषा में ही आपसे बात करूँ। कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूँ बेटी। बढ़िया हो आप? एकदम बढ़िया। जब बताओ कैसो चुनाव चल रहा हो, कैसो लग रही है, हवा किस संग है? देखो पूरे देश में एक ही हवा चल रही है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के प्रति, मोदी जी के प्रति जनता के मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव और अटल और अडिग विश्वास पैदा हो गया है। सबको यही लगता है कि मोदी जी हैं जो हमारा भी कल्याण कर रहे हैं, हमरो कल्याण भी कर रहे हैं और देश को विश्व गुरु बनाने के पथ पे आगे बढ़ा रहे हैं, विकसित भारत बनाएंगे। तो मोदी में, भाजपा में, पूरा देश में, तो कई राज्यों में गया हूँ और मध्य प्रदेश में हम 29 सीटें जीत रहे हैं। 29 सीटें जीत रहे। एक बात बताओ मामा जी कि हमने देखी थी जब दूसरे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाओगे, तुम बहुत सहज तरीके से चले गए मुख्यमंत्री आवास से, वो समय कैसे, तो तुम्हें कैसी लगी कि अब हम कैसे काम कर रहे हैं जनता के लिए और कैसे परिवार के संग है तुम्हारे समय भी? तो देखो भारतीय जनता पार्टी हमरे काजे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का अभियान और आंदोलन है, किसी पद की खातिर भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, कैसो तुम्हें लगो घोषणा पत्र के? कैसो घोषणा पत्र है? झूठ को पुलंदा, झूठ को पुलंदा। करनो तो है नहीं कुछ, केवल कहनो कहनो। उन्हें पता है 57 न्याय दे रहे वे। एक भी पूरा नहीं करो। जब मध्य प्रदेश में पिछली बार 7.5 साल सरकार आई थी तब। तो एक और बात बताओ, कहते हैं कि तुम मोहब्बत की दुकान भी चला रहे, हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी कर। वो केवल दुकानदारी जानते हैं। हाँ। वो देश को नहीं जानते। हाँ। तो हम देखिए शिवराज सिंह चौहान जी के साथ में हैं और आप देख सकते हैं कि जनसंपर्क भी वो चला रहे हैं और देखिए आप लोगों से मुलाकात करते हुए। तो ये तस्वीरें हमने उनकी दिखाई आपको, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लाडली बहनों के मामा हमारे साथ थे, खास चर्चा हमने उनसे की। पुराने भोपाल की ओर जाता है और पुराने भोपाल में ज्यादातर जो संख्या है वो मुस्लिम आबादी की है और अगर आपको मध्य प्रदेश को ठीक से जाना हो तो आपको मुस्लिम आबादी से भी पूछना चाहिए क्योंकि आप देखते होंगे कि चुनावों में धर्म की राजनीति करने से राजनेता कहां पीछे।
तो हम भोपाल कवर कर रहे हैं, भोपाल में अपनी रेडर को लेकर निकले हैं, लेकिन नजदीक में विदिशा भी था तो सोचा यहाँ का मूड तो जरूर लिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ये विदिशा माना जाता है। कभी अटल जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, अब लाडली बहनों के मामा यानी शिवराज सिंह चौहान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप मेरे पीछे देख लोगे, आपको अधिकतर जो है मुस्लिम समुदाय से लोग नजर आ रहे होंगे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोहेल अहमद है। सोहेल अहमद, सोहेल अहमद जी बताइए, बीजेपी को पहला तो ये कि क्या है चुनावी मूड, ये बताइए। चुनावी मूड बहुत अच्छा है, यहाँ पर शिवराज जी बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं विदिशा में। क्यों ऐसा क्यों? मुस्लिम को तो कांग्रेस तो ये कहती है कि आप लोगों को सताया बीजेपी ने, आप लोगों को परेशान किया, आप लोगों के हक हकूक मार लिए। नहीं देखिए, शिवराज जी ने जो काम किए हैं वो सबके लिए समान करे हैं, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। जो हिंदू भाइयों के लिए किया है वही मुस्लिम भाइयों के लिए भी किया, जो हिंदू बहनों के लिए किया है वही मुस्लिम बहनों के लिए। नरेंद्र मोदी से बीजेपी से कभी कोई ऐसा नुकसान आपको हुआ है मुसलमान होने के तौर पे? नहीं, अभी तो ऐसा कोई नुकसान मुझे नहीं देखा, नहीं हुआ। आप बाबा क्या नाम है आपका? बाबू खान। जोर से बोलो बाबा। बाबू खान। लगता है आपने इनको बिरयानी नहीं खिलाई। जोर से बोलो। जोर से बोल रहे हैं। इतनी आवाज है, इतनी है। घर में निकलती होगी तेज आवाज, उनको पता है। तो ये बताओ, मुसलमान होने के नाते कभी इस सरकार में कोई खतरा हुआ? नहीं, कोई खतरा नहीं। कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। लाभ हुआ। कांग्रेस क्यों कहती है आप लोगों को बड़ा खतरा, आप लोगों के हक हकूक मारे जा रहे हैं, क्यों बोलती है बाबा ऐसा? क्या नाम है आपका? आबिद खान। आबिद खान जी। हाँ, तो क्यों बोलती है ऐसा कांग्रेस कि आप लोगों के इतने हक? बीच वाले लोगों को, ये छोटे मोटे टिटपुछ आदमी है, नहीं टिटपुछ। हाँ, ये लोग बोलते हैं शिवराज जी से तरफ से कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं है, इतना अच्छा हमारा कोई मुख्यमंत्री अभी तक नहीं आया। आपको वो मिला है? नहीं, फायदा मिला कुछ? नहीं, हर चीज का फायदा मिला। कोई योजना का लाभ? योजना का भी मिल लिया, किसानी से लेके। क्या मिल रही है? किसानी में भी ने मुआवजा दिया। मुआवजा मिला? हाँ, मुआवजा मिला। क्या कह रहे हैं मामा? क्या बीमा मुआवजा मिला? जी कह रहे हैं बीमा मुआवजा मिला। बीमा बीमा बीमा। आपका क्या नाम है? इरफान खान। मतलब सब मुसलमान कम्युनिटी से हैं। खतरा उतरा तो नहीं है कोई आप लोगों को? नहीं, कोई खतरा नहीं। तो कांग्रेस को क्यों लगता है चिता दान ऐसा कि आप लोगों को बहुत खतरा है? कांग्रेस की सोच एक अलग है कि बीजेपी से मियां भाइयों को खतरा है, लेकिन हमारी सोच में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई कि कोई हमें बीजेपी पार्टी से कोई खतरा नजर आया हो या कोई खतरा हमें लगा। मियां बाबा को कोई नजर नहीं? कोई नहीं, भाई बोलते हैं। मियां भाइयों के लिए कोई अभी तक ऐसा वो नहीं आया संकेत या कोई खतरा के बीजेपी से। मोदी जी कैसे आपको लीडर लगते हैं? मोदी जी भी हमारे लिए तो बेहतर लीडर है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हमें तो अभी मोदी जी की तरफ से आई ना प्रदेश सरकार की तरफ से आई। आपका क्या नाम है? हिंदू खान। हिंदू खान? हिंदू। गजब नाम है गुरु आपका। क्या नाम है? बुंदू खान। बुंदू खान, नाम का मतलब बताओ जरा। का मतलब क्या? बुंदू का नाम मतलब तो बताओ। मैं बता दूंगा, मेरा मतलब रफीक नाम है। जो पुराने जमाने में जो माँ बाप थे, वो पुराने जमाने में कुछ इस टाइप के नाम होते थे, प्यार में बुंदू भोंदू रखते थे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये गोल मटोल टाइप के होंगे उस समय, तो वो उन्होंने उनका ये नाम रख दिया। चलो, नाम जो भी हो, ये बताओ कि इस बार चुनाव में किसका नाम हो रहा है? शिवराज जी का, मतलब विदिशा से वो जीत रहे हैं। जीत रहे। कांग्रेस को क्यों नहीं आप लोग मौका दे रहे? और ये कांग्रेस तो कहती है भाई मुसलमानों के सबसे बड़े हितेशी हम, इवन अखिलेश यादव कहते हैं। ये भी इनसे भी कोई खतरा नहीं है, ये भी अच्छी आदमी। पसंद जी।